दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप छाती में जमे कफ से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बदलते मौसम में जुकाम होना आम बात है। इसकी वजह से छाती और गले में कफ जमा होने की समस्या हो सकती है। अगर इस कफ को समय रहते बाहर न निकाला जाए तो इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। आइए देखते हैं इसके बचाव के लिए कुछ टिप्स। पहला है स्टीम। अगर आप कफ की समस्या से परेशान है तो इस दिक्कत से निपटने के लिए आपको स्टीम का सहारा लेना चाहिए। भाप लेना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। भाप की गर्मी गले और नाक में जमे बलगम को तोड़ने में मदद करेगी। दूसरा है काली मिर्च। छाती से कफ को निकालने के लिए आपको काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। काली मिर्च में पाए जाने वाले तत्व गले में खराश की परेशानी को दूर करेंगे, इसीलिए एक चम्मच काली मिर्च पाउडर को शहद में मिलाकर सेवन करें। तीसरा है गार्गल। छाती में बलगम होने पर आपको नमक के पानी से गार्गल करना चाहिए। ऐसे में गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे कर सकते हैं। इससे कफ कम करने में बहुत मदद मिलेगी। चौथा है अदरक। अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह नाक के पैसेज को क्लियर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व शरीर में बैक्टीरियल और वायरस के संक्रमण से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। पांचवा है फुदीने का तेल। फुदीने का तेल छाती में जमे कफ को हटाने का बेहतरीन और नेचुरल तरीका है। इसके लिए आपको गर्म पानी में फुदीने के तेल के कुछ बूंद डालकर इससे भाप लेनी चाहिए। छठा है शहद। छाती में जमा कफ को निकालने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिक्स करके इसका सेवन करें। आप चाहे तो इसमें अदरक को भी मिला सकते हैं। इससे आपको कफ की समस्या में आराम मिलेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए विटामिन आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।